A download media optimization morning to viewers. This is Chora from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about download attributes. So let's achieve this video in Hindi language. Guys, हम web design के respect में HTML language के chapters को contain कर रहे हैं, जिसमें आज हमको HTML के links के बारे में पढ़ना है. Guys, इसके previous videos को kindly watch करें, क्योंकि ये previous videos का continuation है. हमने प्रीवियस वीडियोस में लिंक के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने href एट्रीब्यूट को कंटेन किया था. आज हमें html लिंक्स में डाउनलोड एट्रीब्यूट को कंटेन करना है. सो आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें. सो अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लें. html के कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन करें. टॉक टाइप डिक्लेरेशन करना मस्ट है. HTML के कोडिंग को एक्सेस करें. इनविजिबल एलिमेंट को शुरू करें. टाइटल को एक्सेस करके कुछ कंटेंट डिफाइन करें. टाइटल को क्लोज कर लें. हेड की बॉडी टाइटल तक ही एग्जिस्टेड होती है, इसलिए हेड को क्लोज कर लें. अपने वेब पेज को बॉडी टैग के द्वारा शुरू करें. फिर अपने वेब पेज को बॉडी टैग को क्लोज करके कंप्लीट कर लें. फिर HTML के टैग को लॉक करके HTML के प्रोग्राम को कंप्लीट करें. क्लियर. अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ. फाइल में जाए, सेव एज ऑप्शन को चुने. अपने वेब पेज का कुछ भी नाम डिफाइन करें, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ web.html. ओके. सो मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ कि मैंने किस तरह के वेब पेज को बनाया है. यस, मैंने जैसा कोडिंग किया है हमारा वेब पेज में प्रीव्यू सेम शो हो रहा है. हमने टाइटल में होम डिफाइन किया है, इसलिए टाइटल में होम शो हो रहा है. हमने बॉडी में कुछ भी डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमारा वेब पेज एम्प्टी है, यानी कि ब्लैंक है. क्लियर. अब मैं चाहता हूँ कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड. ओके, जब मैं इस कंटेंट पे क्लिक करूँ तो कोई फाइल डाउनलोड हो जाए. ओके, सो ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसे अचीव करते हैं इस वीडियो में. ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंक करना है ए टैग की मदद से. तो पहले आप बनाओगे इसको क्लिकेबल, मींस क्लिक करने के बाद कौन सी फाइल ओपन होगी. तो ऐसा करने के लिए हम href एट्रीब्यूट का उपयोग करके फाइल का नाम देंगे. तो मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल है hd.jpg के नाम से, तो मैं इस फाइल को यहाँ पे इस तरह से लिंक कर दूंगा. क्लियर. ओके, तो ऐसा करने से क्या हुआ, जैसे ही मैं इस कंटेंट पे क्लिक करूँगा, ये जो फाइल है hd.jpg ये ओपन हो जाएगी. मैं प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ. यस, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली प्रीव्यू ना हो, हमारे यूजर के सिस्टम में पहले डाउनलोड हो तब ये प्रीव्यू हो. तो सबसे पहले लिंक करना कंपलसरी है, लिंक तो आपको करना ही होगा, उसके बाद ही आप डाउनलोड एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हो. और डाउनलोड एट्रीब्यूट का वैल्यू डाउनलोड के नाम से ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डाउनलोड एट्रीब्यूट का वैल्यू डाउनलोड ही है. क्लियर. सो अगर सिर्फ आप डाउनलोड का उपयोग करते तो हमारे वेब ब्राउज़र को कैसे पता चलता कि जब मैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो कौन सी फाइल डाउनलोड होगी. इसलिए डाउनलोड एट्रीब्यूट का उपयोग करने से पहले आप उस फाइल को लिंक कर दें जिस फाइल को आप क्लिक करने के बाद डाउनलोड करवाना चाहते हो. क्लियर. अब मैं इसको सेव करके आप इसके कोड को फिर से देख ले गाइस. ओके, वीडियो को पॉज करें और अच्छी तरह से देख ले. अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र के प्रीव्यू को रिफ्रेश करूँगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा पिक्चर्स यूजर के सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब यूज़र हमारे इस पिक्चर्स को प्रीव्यू कर सकता है. क्लियर. तो आपने क्या अचीव किया, आपने अचीव किया कि अगर किसी कंटेंट पे क्लिक करने के बाद मैं किसी फाइल को डाउनलोड करवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले ए टैग का उपयोग करके href एट्रीब्यूट में फाइल का नाम पास करें. इससे क्या होगा, इस कंटेंट से हमारा ये फाइल कनेक्ट हो जाएगा. ओके,
और उसके बाद डाउनलोड एट्रीब्यूट में वैल्यू पास करें डाउनलोड। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये फाइल लिंक होने के कारण ये फाइल हमारे सिस्टम में डाउनलोड की वजह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? सो गाइज, अगर इस वीडियोज को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली इसके पहले प्रीवियस वीडियोज को वॉच करें। आपको लगता होगा ऐसा कुछ कि मैंने इसमें कुछ अधूरा समझाया है, इसका मतलब आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखा नहीं है। ओके, सो फिर भी अगर ये वीडियोज आपको समझ में नहीं आती है तो आप काइंडली इस वीडियोज को मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, हैव अ ग्रेट डे।